दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों तो हम लोग देख पा रहे हैं आज एक लेटेस्ट मुद्दे पर आपसे चर्चा कर रहे हैं, ANM 9212 नियुक्ति पत्र मामले पर। दोस्त लगातार आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि आखिरकार ANM 9212 नियुक्ति पत्र का जो वितरण होना है वह आखिरकार कब से प्रारंभ किया जाएगा। आज आपके 1 अप्रैल हो चुके हैं और एक खुशखबरी निकल कर आ रही है, क्या कुछ कैसे है सभी चीजों पर हम आपके बीच में डिस्कस करेंगे। एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले देख पा रहे हैं फ्रेश ANM बहनों को 15 से पहले मिलेगा नियुक्ति पत्र, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई में 15 अप्रैल से पहले आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। नीचे देख पा रहे हैं EWS प्रोविजनल का क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर 15 से पहले आप सभी को नियुक्ति पत्र मिलता है तो वहां तत्काल एक बात निकल कर आती है कि जो EWS वाले और प्रोविजनल वाले अभ्यर्थी हैं उनका क्या होगा। नीचे देख पा रहे हैं CM योगी की सहमति हो जाओ तैयार, इन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। नीचे देख पा रहे हैं एक सबसे बड़ी चीज हम आपसे बताते हैं, इधर जो आपके बीच में लिखा जा रहा है एक जो है फ्रेश ANM बहनों को 15 से पहले नियुक्ति पत्र का, देखिए अगर 15 से पहले नियुक्ति पत्र की हम आपसे बात करें तो सबसे पहला मुद्दा आता है 14 अप्रैल को आपकी फाइनल कोर्ट केस में सुनवाई है। और आप सभी को पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरान आपने जब जो है ज्ञापन सौंपा था गोरखपुर में तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जब तक आपका कोर्ट का मैटर चलता रहेगा तब तक हम आपके नियुक्ति पत्र का वितरण जो है वो नहीं कर सकते हैं। ऐसे में लगातार आप पूछ रहे थे कि आखिरकार जो 15 से पहले नियुक्ति पत्र की बातें आप कर रहे हैं तो उसमें क्या कुछ कैसे होगा, ठीक है, क्या वाकई में 15 से पहले आप सभी को नियुक्ति पत्र मिल पाएगा या नहीं। देखिए यह एक अगर बात करें ज्वलंत मुद्दा है 15 से पहले नियुक्ति पत्र का, फिलहाल के लिए अभी ऐसी कोई बातें कहीं से वायरल नहीं की जा रही है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो आपको बता रहे हैं 15 से पहले नियुक्ति पत्र आप सभी को मिल सकता है, लेकिन अगर 15 से पहले नियुक्ति पत्र मिलना होगा तो UP SSC के द्वारा एक जो है ऑफिशियल नोटिस जारी की जाएगी, उसके बाद जो है 15 से पहले नियुक्ति पत्र की बातें आपसे कही जाएंगी, ठीक है। और आगे हम अगर आपसे चर्चा करते हैं EWS व प्रोविजनल को लेकर, देखिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, जो EWS वाले और प्रोविजनल वाले हैं इनको परेशान नहीं होना। हर विद्यार्थी को जितने का इसमें सेलेक्शन हो चुका है आप सभी को पता भी चल चुका है हम EWS के तहत हैं प्रोविजनल के तहत हैं। प्रोविजनल वालों को हम अगर बताएं तो इनका 3 तारीख से जो है, आज आपकी 1 तारीख हो चुकी है, 3 तारीख से इनका जो है DB का पोर्शन शुरू हो रहा है, ठीक है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को सबसे पहले पूरा करिएगा और आपका जो प्रोसेस चलेगा वह 15 मई तक चलेगा। 15 मई से तो पहले प्रोविजनल के अभ्यर्थियों को कतई ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा, यह प्रबल सत्य है, ठीक है, इनको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और इधर EWS का जो मामला है, EWS वालों का पेंच भी कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, जैसे ही अगर 14 तारीख का मामला आपका फाइनल होता है तो आपको भी नियुक्ति पत्र के क्रम में रखा जाएगा, ठीक है। लेकिन जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं इनकी लगातार मांगे हैं कि EWS और प्रोविजनल को छोड़कर जो फ्रेश अभ्यर्थी हैं इन सभी को नियुक्ति पत्र दिया जाए, लेकिन अभी 15 से पहले आपके कोई भी चांसेस नहीं बन रहे हैं। कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि 15 से पहले मिल जाएगा, हम भी चाह रहे हैं मिल जाए, लगातार संघर्ष आप सभी के लिए किया जा रहा है। अगर 15 से पहले आप सभी को मिलता है तो सारी चीजें जो है डिटेल से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। नीचे यहाँ आप देख पा रहे हैं CM योगी की सहमति, बिल्कुल इनकी सहमति का इंतजार है। आप लगातार ये कह रहे थे कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी चाहें तो हमें 1 दिन में नियुक्ति पत्र का वितरण करवा सकते हैं, लेकिन डिपेंड इनके ऊपर करता है अब ये करते क्या हैं। और आप सभी एक सबसे बड़ी मुहिम आपने जो चलाई है जो है ज्ञापन सौंपने की, लगातार आप ज्ञापन सौंप रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, यह बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। हमने आपसे बार बार कहा है कि जहां भी माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा हो रहा है प्लीज आप वहां भारी से भारी संख्या में पहुंचकर जो नियुक्ति पत्र के लिए आप ज्ञापन सौंपने का अभियान चलाया है उससे आप जारी रखिएगा। कुछ लोग इसके विरोध में रहते हैं, कहते हैं कि अगर हम ये जो है अगर हम लगातार ज्ञापन सौंपते रहेंगे तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इस पर जो है बैड इफेक्ट पड़ेगा, वो नियुक्ति पत्र से हम लोगों को दूर ले जाएंगे। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, हम आप तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं, कुछ धरना नहीं कर रहे हैं, बस शांतिपूर्ण माहौल से जहां भी जनता दर्शन के दौरान हम ज्ञापन सौंपने का अभियान कर रहे हैं, ठीक है। यह कोई बुरी चीज नहीं है, लगातार आप इस चीज को जारी रखिएगा, आपको एक बेहतर परिणाम तक जरूर ले जाएगा, ठीक है। और यहां लिखा जा रहा हो जाओ तैयार,
गया। बिल्कुल जो फ्रेश के अभ्यर्थी हैं इनको बहुत जल्द से जल्द मिलेगा, ये प्रबल सत्य है। लेकिन जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति मिलती है तत्काल आप सभी को जो है नियुक्ति पत्र वितरण किया जाएगा। लेकिन ये उम्मीद है, आप सभी को पता है 15 तारीख के आसपास में जो है नगर निकाय चुनाव प्रारंभ हो जाएंगे, आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में ये कोशिश की जा रही है कि 15 से पहले जो फ्रेश हैं इनको तो मिल ही जाए, बाकी जो EWS वाले हैं प्रोविजनल वाले हैं इनको तो, प्रोविजनल वालों को तो 15 मई से पहले नहीं मिलेगा, ये सत्य है। बाकी EWS का फिलहाल के लिए कोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए, जैसा भी होगा सारी चीज़ें चैनल के माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, आशा करते हैं देंगे जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं, थैंक्स, धन्यवाद।